कहते हुए तो व्लॉग्स अभी ऑल तो वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी आप देख रहे हैं पीछे कितना अच्छा व्यू है, कितनी अच्छा मतलब पहाड़ दिख रहा है पूरा, और पूरे पहाड़ मतलब अभी इस वक्त तो खैर सारे बादल जो होते हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होते हैं, तो बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा है। तो अभी हम लोग रेडी नहीं हुई हैं, बस थोड़ी देर में रेडी होकर मिलते हैं फिर आप लोगों से। ब्रेकफास्ट आज फिर से वही रिपीट किया है, तो हमारे पास है गर्मा गर्म मिक्स वेज परांठे जो कि कार्तिक के पास भी है, और कार्तिक के पास है दही। वंश दही नहीं खाता तो उसकी कटोरी खाली है, वंश भी खाएगा पूरी सब्जी, तो ये रही सब्जी और अभी पूरी आने वाली है, और ये रहे हमारे परांठे, हमारा अचार टेस्टी सा, और ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट। अचार देना देती हूँ वंश की गर्मा गर्म पूड़ी, बिल्कुल भटूरा लग रहा है ना वंशु। वंशु कह भी रहा था ऊपर में से कुछ भटूरा टाइप खाना है, तो भैया ने इसलिए ना वैसे ही बना दिया, पूड़ी का भटूरा बना दिया सब्जी के साथ। बहुत गर्म है, देखिए यहाँ के रास्ते कितने खूबसूरत हैं, दोनों तरफ ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, और ये देवदार के ट्रीज हैं, इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, पूरा रास्ता एकदम ग्रीनरी से भरा हुआ है। देखिए ये है यहाँ का डैम, कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ से। ये सामने है जहाँ पे सारी बोटिंग वगैरह होती है, ये THDC इंडिया लिमिटेड का है, और यहीं से मतलब बिजली वगैरह बनाने का भी इन्होंने बना रखा है यहाँ पे, और ये सारा डैम का एरिया है यहाँ पे, ये नीचे तक जा रहा है वहाँ पे। डैम में एक्चुअली एंट्री नहीं देते हैं, गवर्नमेंट के कुछ वो है मतलब वो रीजन्स हैं जिसकी वजह से वहाँ जाने नहीं देते प्रॉपर अंदर, खाली वहाँ के लोग जा सकते हैं। ये पूरा डैम का एरिया दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे हम जा नहीं सकते, ये हमारा फ्लैग लगा हुआ है जय हिंद, और बाकी यहाँ का सारा एरिया दिख रहा है, ये पूरा एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ से। मैं कोशिश कर रही हूँ जितना आप लोगों को दिखा सकूँ यहाँ का। अरे टिहरी आने की जगह है, एक बार आपको ज़रूर आना चाहिए, मुझे तो बहुत अच्छी जगह लगी, ग्रीनरी और खूबसूरती, पेड़ पौधे बहुत ग्रीनरी है। वो क्या है? वो बेटा इसी का हिस्सा है एक, वहाँ पे भी कैसा हिस्सा, ये नीचे तक ये दिखाई दे रहा है, अभी और दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ में एक ये मिल गया गिरगिट, पहले ब्राउन था, जैसे वहाँ ग्रास पे जाके बैठा ग्रीन कलर का हो गया। मत करो, अभी अभी बिल्कुल डैम का एरिया देख के आए हैं, तो वहाँ पे एक्चुअली आप लोग जा सकते हैं, मतलब कोई भी अगर वहाँ जाना चाहे वो जा सकता है अंदर, लेकिन वहाँ पे अंदर आप गाड़ी नहीं रोक सकते, हॉर्न नहीं बजा सकते, आप फोटोग्राफी हर जगह चेकिंग है, पुलिस लगी हुई है, प्रॉपर सिक्योरिटी है, और होनी भी चाहिए क्योंकि बहुत ही ऐसा जोन है कि वहाँ पे कुछ भी अगर दुर्घटना घटती है तो उसका इफेक्ट जो है पूरे यूपी तक मतलब नीचे के क्षेत्रों में भी जाएगा, कि वहाँ पे जो पानी इतना ज्यादा, हाँ रोड वगैरह एकदम बहुत बहुत अच्छा बना रखा है, और एक्चुअली ये है कि पानी यहाँ पे इतना इकट्ठा किया हुआ है पीने के लिए, भागीरथी जी का पानी इकट्ठा होता है यहाँ पे, तो उससे ये है कि अगर इस डैम में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो अगर ये पानी आगे जाता है तो ये नीचे के जितने भी शहर है सबको डुबो देगा, तो इसलिए सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है कि हम लोग अंदर गए होके आ गए, हमने डैम देखा, मतलब आप कार में बैठे बैठे व्हीकल पे बैठे बैठे देख सकते हैं, वहाँ उतर भी नहीं सकते हैं, तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा किया गया, तो इसलिए मैं वहाँ का अंदर का मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, जो मैंने अभी पहले शेयर किया था वो ऊपर एक इन्होंने स्पेस बना रखा है, वहाँ भी जाली वगैरह रखा लगा रखी है इन्होंने, कि आप वहाँ खड़े होकर वीडियो बना सकते हैं, पिक्चर्स क्लिक करने कर सकते हैं, लेकिन जब आप नीचे इस एरिया में आ जाएंगे जो मेन डैम का एरिया है वहाँ पे अंदर आपको ये सब चीजें स्ट्रिक्टली मतलब मना की गई है, आप ये सब नहीं कर सकते, तो अगर आपको यहाँ आना है घूमना है डैम देखना है आप आके देख सकते हैं, लेकिन इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। सिद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर, जय भगवान जी। अब हम जा रहे हैं बोटिंग के लिए, तो ये आ गया हमारा बोटिंग पॉइंट, तो यहाँ बाहर रोड पे भी लिखा